हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। आज बात करेंगे हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री की, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमेट्री क्या होती है। जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है उसे हम इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई भी एटम है, जैसे मान के चलो ये ऑक्सीजन हमारा है ना, ये O2 है। जैसे भी मैंने ये ऑक्सीजन इधर लगा दिया, एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया, जैसे मैं इसे यहाँ से डिवाइड करूँगी मैं, तो एक ऑक्सीजन हमारा इधर आ गया, एक ऑक्सीजन इधर आ गया। यानी इक्वल हाफ में कोई भी मॉलिक्यूल हो वो डिवाइड हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है। तो एनी इमेजनरी एक्सेस विच इज़ पास्ड थ्रू दी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल एंड रोटेशन अराउंड विच गिव अन इक्विवेलेंट ओरिएंटेशंस, है ना। तो देखते हैं, जैसे मेरे पास कोई H2O मॉलिक्यूल है, तो जैसे मेरे पास जो H2O मॉलिक्यूल है यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो मैं इसे H1 नंबरिंग देती हूँ, इसे H2 देती हूँ। तो अब जैसे कि मैं इसे 180 से रोटेट करूँगी, जैसे मेरे पास कोई H2O मॉलिक्यूल है, ये हो गया मेरे पास H2O मॉलिक्यूल, है ना। ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये वाला भी हाइड्रोजन हो गया, ये मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन मान लिया है ऐसे, है ना। तो यहाँ सेंटर पे ऑक्सीजन हो गया, ये दो इससे हाइड्रोजन लगे हैं। तो अब मैं जैसे मैंने ये नंबरिंग की है, तो ये वाला H1 है ना, ये वाला H1, ये वाला हाइड्रोजन है, और जो H2 है ये वाला मैंने इसे मान लिया है। तो देखो, जैसे ही मैं इसे 180 से रोटेट करूँगी, 180 से जब भी हम कोई मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट में होता है वो राइट में आ जाता है, जो राइट वाला होता है वो लेफ्ट में चला जाता है, या टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप हो जाता है, ऐसे करके हम करते हैं। जैसे मेरे पास कोई कोई भी मैंने एक्सेस डाल दी है ना, अब जैसे मेरे पास ये H2O मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगे हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ से एक्सेस डालूंगी, इसके सेंटर से एक्सेस डालूंगी, अब देखो ये सेंटर है इसका, है ना। तो जैसे ऐसे ऊपर से मैंने एक्सेस पास करा दी, है ना, ऐसे एक्सेस डाल दी इसके ऊपर, तो ये क्या हो गया, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा ना। यानी कि एक हाइड्रोजन एटम इधर है और सेम ही हाइड्रोजन इधर है, तो यानी कि ये क्या हो गई, सिमेट्री हो गई आपस में, क्या हो गया, सिमेट्री हो गई, सिमेट्रिकल हो गई ये। तो जैसे मैं यहाँ से H2O पर एक्सेस डालूंगी, जैसे मैंने यहाँ से ये एक्सेस डाली, तो जैसे मैं यहाँ से इसे रोटेट करूंगी, इस एक्सेस को पकड़ के जैसे मैंने यहाँ से रोटेट किया है, तो ये वाला हाइड्रोजन है वो H1 के प्लेस पर आ जाएगा, जो H1 हाइड्रोजन है वो कहाँ पर चला जाएगा, H2 के प्लेस पर चला जाएगा। जैसे मेरे पास ये H1, ये H1 है, ये वाला H2 है, तो जैसे ये वाला H2 है, ये वाला देखो दिख रहा है इसमें, ये H1 है, ये H2 है, तो जैसे मैंने यहाँ से 180 से मैं रोटेट करूँगी, जैसे एक्सेस डाली, तो ऐसे रोटेट हो जाएगा, जो राइट वाला है वो लेफ्ट में आ गया और जो लेफ्ट वाला है वो राइट में चला गया, है ना, ऐसे हो गया। तो देखो जो बैक था, देखो ये फ्रंट है ना, ये फ्रंट वाला, ये क्या चला जाएगा, बैक में चला जाएगा। जैसे मैंने इसे 180 से रोटेट किया तो ये ऐसे रोटेट हो गया, तो जो हमारा फ्रंट था वो बैक बन गया, जो बैक था वो फ्रंट बन गया, है ना। तो देखो मैंने इसे 180 से रोटेट किया है, तो ये क्या हमारा जो इसका बैक वाला हमें दिखाई देगा, देखो ये इसका बैक बन गया, जो H1 है ये किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा ये H1, और इधर क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। तो जैसे मैंने फिर, अब ये हमारा ये हो गया है ना, अब देखो फिर हम 180 से फिर रोटेट कराएंगे हम इसे। तो जैसे ही मैंने ये 180 से रोटेट कराऊंगी मैं, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस डाल दी, जैसे हम जो हमारा सेंटर एटम है यहाँ से मैं एक्सेस डालूंगी, तो ये इक्वल आप में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से अपनी एक एक्सेस डाल दी, है ना, जैसे ऊपर से मैं डाल के ला रही हूँ, जैसे मॉलिक्यूल है ना यहाँ से डाल दिया, तो देखो ऐसे डाल के आ रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन इसे रिप्लेस कर रहा है ना, कि मतलब जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस डाली तो ये H1 है, इधर भी H1 है, यानी कि एटम के प्लेस पर एटम है, यानी कि सेम एटम है। जैसे हमने एक्सेस डाली तो समान इक्वल में डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री कहते हैं, है ना। तो अब जैसे मैंने यहाँ फिर एक्सेस डाली, तो इसे मैं ऐसे रोटेट कर दूंगी, देखो ऐसे, तो ये क्या हुआ, जो हमारा बैक था अब वो फ्रंट बन गया, तो देखो ये वाला आ गया, जो हमारे पास एटम पहले था, अब जो H1 है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये H1 इधर आ गया ना, जैसे मैंने ये ऐसे रोटेट किया है ऐसे, तो ये वाला H2 है ना, तो ये इधर आ जाएगा, ये H1 इधर आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कि जैसे मेरा ये पहले था ये एटम, यानी जो मॉलिक्यूल्स, तो मैंने 180 से रोटेट किया है, तो इसका जो हमें बैक साइड दिखाई दिया है ना, इधर बैक में दिखाई दिया है, तो ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन है। फिर मैंने इसे 180 से रोटेट कर दिया है, तो यानी कि जो हमें मॉलिक्यूल पहले था वही मिल गया, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल ओरिएंटेशन हो गया, है ना। तो जो हमारी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हम इसे CN से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें N क्या है, N हम देखते हैं नंबर, इसमें जो हमारी जो एक्सिस हम डालते हैं, जैसे हमने 180 से रोटेट किया है, तो उसका जो थीटा निकल के आएगा, जैसे सपोज मेरे पास N है, N की यहाँ पे 1 मतलब जो 360 है ना, तो इसे क्या हो गया, थीटा से हम रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे थीटा क्या है, जो भी हमने बॉन्ड एंगल से रोटेट किया है वो हमारा थीटा रहता है। तो यहाँ पे कितने से रोटेट किया है अपन ने, यहाँ पे 180 से रोटेट किया है, तो देखो यहाँ 180 से हमने रोटेट किया है, तो यहाँ से हम मतलब 180 से हम इसे काटेंगे तो किसने कटेगा, 2 से, तो
तो यहाँ पे एन की वैल्यू टू आ जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला है सी एन, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रखेंगे हम, जी हमारी एन की वैल्यू निकल आएगी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सी टू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी सी टू, ये हमारी कौन सी एक्सेस हो गई, सी टू एक्सेस हो गई, है ना। अब देखते हैं, अब हम निकालते हैं कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री एच टू मॉलिकूल्स में। अब देखो मेरे पास ये वाला एच टू मॉलिकूल है, अब मैं इसमें निकालूंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस डाल दी, ये एक्सेस मैंने यहाँ पे डाल दी, तो अब यहाँ से मैं रोटेट करूँगी, तो जैसे मैंने ये रोटेट किया तो एटम के प्लेस पर एटम ही हमें दिखाई देना चाहिए। तो देखो इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, तो देखो ये हाइड्रोजन हो गया, ये एच टू मॉलिकूल ऐसे ही, तो देखो इसे ऑक्सीजन मान लो आप, और ये वाला हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सेस डालूंगी, जैसे मैंने एक्सेस यहाँ पे डाली, तो ये क्या हो रहा है, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, यानी कि इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, यानी कि सेम मॉलिकूल है ना, एटम के प्लेस पर एटम ही है। तो जैसे ही मैंने इसे 180 से रोटेट किया, तो ये ऐसे रोटेट हो गया, ये ऐसे रोटेट हो गया, तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो ये रोटेट होकर क्या आया, यहाँ पे हाइड्रोजन ही आया है ना, तो एटम के प्लेस पर एटम आया है, तो यानी कि ये सिमेट्रिकल है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने 180 से रोटेट किया है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी एन तो है ही अपना रिप्रेजेंट करते हैं, तो 180 से हमने रोटेट किया है, तो इसे हम 2 से डिवाइड, 180 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका जो एक्सिस निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, सी टू हो जाएगी। अब बात करते हैं हम बी एफ थ्री की, है ना, कि बी एफ थ्री में क्या होता है। अब देखो जो हमारे पास जो बी एफ थ्री है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस, अब इसमें क्या होती है, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो टू टाइप्स की होती है, उसमें दो होती है, एक तो होती है प्रिंसिपल एक्सिस और एक होती है सब्सिडरी एक्सिस। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, अब जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, एक तो होती है प्रिंसिपल एक्सिस और एक होती है सब्सिडरी एक्सिस, सब्सिडरी एक्सिस और एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये दो एक्सेस होती हैं। जो प्रिंसिपल एक्सेस होती है हमारी, तो ये क्या होती है, अगर जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मेरे पास सपोज बी एफ थ्री है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एक्सेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस एक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ, एक्सेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, है ना। तो ये क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सेस होती है। तो देखो सपोज मेरे पास क्या है, ये बी एफ थ्री है ना। तो अब इसमें हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सेस कौन सी हमारी, तो प्रिंसिपल एक्सेस जैसे मेरे पास बी एफ थ्री है, देखो अब ये है हमारा, जो मेरे पास जो बोरोन है, ये हमारा बोरोन हो गया सेंटर में, और ये इससे क्या जुड़े, तीन फ्लोरीन जुड़े हैं, है ना। तो अब यहाँ पे ये तीन फ्लोरीन लगे हैं, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रिंसिपल एक्सेस कौन सी होती है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री, यानी कि सबसे पहले हम इसमें एक्सेस डालेंगे। जैसे भी मैं यहाँ से एक्सेस डालूंगी, जैसे मैंने एक्सेस डाल दी, यहाँ पे एक्सेस डालने के बाद मैं अगर मैं यहाँ से ऐसे रोटेट करूँगी ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट होगा, देखो ऐसे, ये ऐसे रोटेट हो गया। तो ये क्या हो रहा है, एटम के प्लेस पर एटम आ रहा है, यहाँ पे तीनों फ्लोरीन लगे हैं ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है। तो जैसे ही मैंने ऐसे रोटेट किया है, तो ये क्या हो रहा है, एटम के प्लेस पर एटम ही तो जा रहा है, यानी कि जो फ्लोरीन है ये वाला, तो हम जैसे हम रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला फ्लोरीन यहाँ पर चला जाएगा, ये वाला फ्लोरीन यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि एटम के प्लेस पर एटम आ रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसे रोटेट किया है, जितने भी हमारे एटम होते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सेस हो जाती है। जैसे मैंने ऐसे रोटेट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, सी थ्री, इसमें जो प्रिंसिपल एक्सेस निकलेगी, जो बी एफ थ्री हमारा है, इसमें जो हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है वो क्या है, सी थ्री, है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमारी सब्सिडरी एक्सेस है वो कौन सी है। अब सब्सिडरी एक्सेस में क्या होती है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे जैसे अब ये वाला हमारा फ्लोरीन है, ये वाला फ्लोरीन है, अगर मैंने यहाँ से एक्सेस पास कर दी, यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से ऐसे एक्सेस पास कर दी, यानी इसके इसके थ्रू, देखो यहाँ से मैंने डाल दी है ना, ये ऐसे डालते डालते ये यहाँ तक है, तो ऐसे पास कर दी, तो ये क्या हो रहा है, इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया ना। जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस डाल दी, तो यानी ये वाला फ्लोरीन इस वाले फ्लोरीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला फ्लोरीन इस वाले फ्लोरीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ से रोटेट करूँगी, इसे ऐसे मैं रोटेट करूँगी, तो ये वाला हाइड्रो, ये वाला फ्लोरीन है ये इधर आ जाएगा, ये वाला फ्लोरीन इधर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से रोटेट किया, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे हो गया, यानी कि एटम के प्लेस पर एटम आ रहा है, तो इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो है। तो इसमें क्या हो गया, एक तो ये सी टू हो गई, यानी कि जैसे मैं यहाँ से रोटेट किया है, किसे सी टू एक्सेस डाली है, तो एक सी टू ये हो गया हमारा। फिर अब देखो यहाँ से हमने ये सी टू डाली है, तो यानी कि ये इन दोनों के बीच में निकल रहा है, ये इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो एक सी टू हमारी ये भी तो हो सकती है। देखो यहाँ से मैं डालूंगी एक्सेस, यानी कि इस एटम से डालूंगी, तो जो हमारा ये वाला एटम है, तो ये इसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला इसे रिफ्लेक्ट करेगा।
तो एक सीट हमारी ये हो जाएगी, और एक हम इसके थ्रू भी डाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम डालेंगे तो ये वाला फ्लोरीन हमारा इसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला फ्लोरीन हमारा इसे रिफ्लेक्ट करेगा, एक सीट हमारी यहाँ से हो जाएगी। तो इसमें जो टोटल होती हैं वो कितनी होती हैं, सब्सिडरी एक्सेस कितनी होती हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस C3 है, यहाँ पे जो सब्सिडरी एक्सेस है वो हमारी कितनी हो जाएंगी, 3C2 हो जाएंगी। हम ऐसे निकालते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब बात करते हैं प्लेटिनम की। अब जैसे हमारे पास कोई प्लेटिनम यानी ये मॉलिक्यूल है, तो देखो इसमें क्या है, एक तो अगर आप कैसे भी इसमें डाल दो, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो हमने जैसे ही हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है, तो देखो हमने यहाँ से जैसे एक्सेस डाली थी तो हमें क्या हुआ, तो ये वाला हाइड्रोजन इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला इसे, यानी कि एटम के प्लेस पर एटम दिखा था। जैसे हमने यहाँ पे C3 यहाँ से एक्सेस डाली, यहाँ से जैसे हमने ऐसे डाल के ऐसे ये हमारा BF3 है, ऐसे ये रोटेट किया मॉलिक्यूल, तो यानी कि ये वाला जो F1 है, इसे F1 मान लो, इसे F2 मान लो, इसे F3 मान लो, तो जो F1 है यहाँ F2 की जगह पर चला जाएगा, जो F2 है ये F3 की जगह प्लेस पर आ जाएगा, ये F3 है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो एटम के प्लेस पर एटम तो आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो है। तो जैसे हमने यहाँ से रोटेट किया है तो C3 यानी कि तीन मॉलिक्यूल रोटेट हो रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा जो क्या हो गया, जो हाईएस्ट होता है ना हाईएस्ट ऑर्डर, उसी को हम प्रिंसिपल मानते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से रोटेट किया है तो सबसे हाईएस्ट यही तो है, तो इसका C3 हो जाएगा। जो सब्सिडरी एक्सेस होती है वो हम जो हमारी जो जितनी भी जो प्रिंसिपल एक्सेस है, जैसे फिर हम मॉलिक्यूल के थ्रू डालते हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस डाली थी, तो यहाँ से मैंने रोटेट किया है तो ये इसे ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, एटम के प्लेस पर एटम ही है ना। तो यहाँ पे जो सब्सिडरी एक्सेस है, एक तो हमारी C2 ये यहाँ से हो गई थी, और दूसरी C2 एक्सेस हमारी यहाँ से हो गई थी, और तीसरी हमारी यहाँ से हो गई थी। ऐसे हमारी जो सब्सिडरी एक्सेस है वो 3C2 निकली है। अब बात करते हैं हम इस वाले मॉलिक्यूल्स में। अब देखो हमारे पास क्या प्लेटिनम है, तो चारों एटम्स हैं वो कैसे समान एटम है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ से प्लेटिनम से जैसे ही मैंने एक्सेस डाल दी, देखो ऐसे एक्सेस डाली, अब जी पेज पे है तो यहाँ पे तो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकती। जैसे ही आप देखो ऐसे देख सकते हो, जैसे मैंने एक्सेस डाली तो ऐसे रोटेट किया है मैंने, है ना। तो ये वाला एटम है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इस क्लोरीन की प्लेस पे, ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो ऐसे हो रहा है। तो देखो क्लोरीन की प्लेस पर क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, और क्लोरीन की प्लेस पर क्लोरीन ऐसे रोटेट हो रहा है, यानी कि एटम की प्लेस पर एटम है, तो ये सिमेट्रिकल तो हो गया। तो जैसे मैंने यहाँ से मतलब C4 एक्सेस डाली है, जैसे यहाँ पे डाली है तो चार एटम है, तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सेस है वो क्या हो जाएगी, C4 हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसमें कि अब सब्सिडरी एक्सेस कौन सी है। अब ये प्रिंसिपल एक्सेस तो इसमें C4 हो गई है ना। तो आप देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस डाली, जैसे ये वाला है, यहाँ से C2 एक्सेस में डालती हूँ, है ना। जैसे ही मैंने यहाँ से C2 एक्सेस डाली तो अब ये क्या हुआ, ये वाला एटम इसके प्लेस पर आ जाएगा, ये वाला क्लोरीन इसके प्लेस पर चला जाएगा, यानी कि ये मैंने 180 से रोटेट कर दिया। तो एक तो C2 हमारी ये हो गई, और एक C2 मैं यहाँ से डालूंगी, एक C2 मेरी ये हो गई, और एक C2 जैसे ही मैंने यहाँ से डाली ऐसे C2, तो ये वाला क्लोरीन इधर रिप्लेस करेगा, ये वाला क्लोरीन इधर रिप्लेस करेगा, यानी कि एक C2 ये हो जाएगी और एक C2 ये वाली हो जाएगी, यानी कि ये वाला क्लोरीन इसे, ये वाला क्लोरीन इसे। तो टोटल C2 कितनी हो गई, देखो 1 2, एक तो ये वाली डाली थी हमने 1, एक ये वाली डाली थी 2, एक ये डाली थी 3, एक ये डाली थी 4। तो इसमें जो सब्सिडरी एक्सेस हैं, सब्सिडरी एक्सेस वो कितनी हो जाएगी, 4C2 कितनी हो जाएंगी, 4C2 हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि बेंजीन में, अब देखो जो हमारा बेंजीन है इसमें क्या है, सब पे जो जितना भी कार्बन है उस पर सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा है ना। तो अब देखते हैं कि जैसे ही हमने जैसे सेंटर है यहाँ से, अगर जैसे ही मैंने यहाँ से कोई एक्सेस डाल दी सेंटर से, है ना, तो जैसे ही मैंने सेंटर से एक्सेस डाली, जैसे मैं इसे रोटेट करूँगी, तो ये क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर जाएगा, आ जाएगा, या फिर ये कह लो ये वाला कार्बन इसकी प्लेस पर आ जाएगा, ये वाला कार्बन इसकी प्लेस पर, और ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, यानी कि एटम के प्लेस पर एटम ही आ रहा है ना। तो इसमें सिमेट्रिकली तो ये है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ से इसे रोटेट किया है तो क्या हो जाएगा, इसकी जो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो कैसे, कौन सी होती है, हमारी हाईएस्ट ऑर्डर हम देखते हैं। तो देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है वो कितनी हो जाएगी, C6 हो जाएगी, है ना। अब हम देखते हैं सब्सिडरी एक्सेस। तो सब्सिडरी एक्सेस के लिए हमें सबसे पहले देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होना चाहिए। जैसे ही हमने यहाँ से एक्सेस डाली, यानी कि ये वाली एक्सेस हमने डाली, तो इसे हम जैसे ही रोटेट करेंगे, यानी कि ये C2 हमारी, यानी कि जैसे हम इसे 180 से रोटेट करेंगे, तो क्या होगा, हमारा ये वाला पूरा पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला हमारा इधर आ जाएगा, यानी कि जो लेफ्ट साइड में वो राइट में चला जाएगा, जो राइट वाला है वो लेफ्ट में आ जाएगा, है ना। अब देखो अब जो जैसे ही हमने ये रोटेट किया है तो यहाँ पे क्या है, सेम एटम है, जैसे ये वाला कार्बन है इस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है, ये वाला कार्बन इस पर हाइड्रोजन लगा है,
और ये कार्बन है इस पे हाइड्रोजन लगा है इस वाले कार्बन पे। तो जैसे हमने रोटेट किया है तो ये पूरा इधर की साइड में आ रहा है, ये पूरा इधर की साइड में आ रहा है, यानी कि एटम की प्लेस पर एटम आ रहा है, यानी सेम ही तो है, डिफरेंट तो है नहीं। यानी कि इसमें सिमेट्री जो हमारी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें सिमेट्रिकल देखना आना चाहिए कि जो हम जैसे हम रोटेट कर रहे हैं सी टू एक्सेस हम डाल भी रहे हैं तो वो सिमेट्रिकल है कि नहीं, ये हमारा मेन मोटिव रहता है। तो जैसे मैंने यहाँ से सी टू एक्सेस डाली तो ये क्या हुआ, जैसे एटम के प्लेस पर एटम आ गया, एक तो हमारी सी टू एक्सेस जो हो गई। अब जो दूसरी हमारी सी टू एक्सेस होगी वो देखो, एक सी टू एक्सेस हमारी होगी, जैसे हमने यहाँ से डाला तो ये वाला पूरा पार्ट है ये वाला तो इधर चला जाएगा, और ये वाला जो हमारा पूरा ये पार्ट है ये वाला इधर आ जाएगा, है ना। तो यानी कि एक हमारी सी टू एक्सेस ये हो गई, दो हो गई, है ना। अब तीसरी हमारी होती है ऐसे करके, देखो इसमें क्या है, बहुत मतलब थोड़ा वैसे हो रहा है, मैं एक अलग से बना देती हूँ। देखो बेंजीन रिंग हमारी ये हो गई, देखो ये वाली बेंजीन रिंग है ना। तो आपको इसमें तो पता चलेगा मतलब सब सेम है, हाइड्रोजन लगाए हाइड्रोजन लगाए सब पे। तो देखो इसमें बताती हूँ, एक तो हमारी सी टू एक्सेस देखो इसके थ्रू हो गई इस वाले कार्बन के, ठीक है, और एक हमारी इसके थ्रू हो गई और एक हमारी इसके थ्रू हो गई। अब देखो जैसे हमने यहाँ से ये सी टू एक्सेस डाली तो ये वाला पूरा पार्ट इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, और देखो यहाँ से हमने जो सी टू एक्सेस डाली है तो ये वन टू यानी ये पूरा इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे हमने यहाँ से सी टू एक्सेस डाली है तो ये वाला जो दोनों कार्बन इसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक सीट हमारी ये हो गई, एक सीट हमारी ये हो गई, एक सीट हमारी ये वाली तो ये हो गई और एक सीट हमारी ये हो गई, यानी कि थ्री सीट हो गई। अब जो हमारी सी टू एक्सेस हम ऐसे भी डाल सकते हैं, अभी तीन हुई हैं, है ना, देखो ऐसे भी हो गई ऐसे। तो देखो यहाँ से एक सी टू एक्सेस तो हम ऐसे डाल सकते हैं, यानी कि जो पाई बॉन्ड है ना यहाँ से, तो ये पूरा ये वन टू थ्री, वन टू यानी ये ऐसे है, वन टू थ्री ऐसे, है ना। एक हमारी सी टू एक्सेस ऐसे हो गई, एक हमारी सी टू एक्सेस ऐसे हो गई, सी टू सी टू सी टू, है ना। तीन हमारी ये हो गई और तीन हमारी इधर जो एक कार्बन से डाली थी हमने, है ना, और जो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड के थ्रू ये यहाँ से डल रही है, और जो पाई बॉन्ड है ना यहाँ से डल रही है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसमें जो सब्सिडरी एक्सेस है बेंजीन में कितनी हो गई, सब्सिडरी एक्सेस कितनी हो गई हमारी, सिक्स, सिक्स सी टू हो गई, है ना। इसमें सिक्स सी टू हो गई ना, जो प्रिंसिपल एक्सेस थी वो हमारी सी एक्स हो गई। अब बात करते हैं हम अमोनिया की, है ना। तो जो हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल है इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं। तो जो हमारा मॉलिक्यूल है, तो जैसे ही हम ऐसे अगर हमने जैसे नाइट्रोजन से जैसे ही हमने एक्सेस डाली, जैसे हमने ऐसे एक्सेस डाली, तो जैसे ही इस कार्बन जैसे ये रोटेट होगा तो देखो हाइड्रोजन की हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन की प्लेस पर हाइड्रोजन, जैसे हमने यहाँ पर रोटेट किया तो यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर है। तो इसमें सिमेट्रिकल तो ये मॉलिक्यूल है नहीं, तो ये हमारा जो लॉन पेयर है, अब क्या करेंगे हम, देखो ये तीन ऐसे मॉलिक्यूल हो गए हमारे ऐसे, देखो यानी कि ये डैश वाला बैक साइड में जा रहा है, ये फ्रंट में आ रहा है, ये प्लेन में हो गया, और जो हमारा है एक जो लॉन पेयर है इसे आप लॉन पेयर मान लो। तो हम क्या करेंगे, इसे लॉन पेयर को पकड़ के रोटेट करेंगे, है ना। ये लॉन पेयर है ना, इसे पकड़ के मैं रोटेट करती हूँ तो देखो ऐसे रोटेट हो रहा है, यानी कि ये तो अपनी जगह पे ही है, लॉन पेयर तो अपनी जगह पे ही है, यानी कि जो जो नीचे वाले हाइड्रोजन लगे हैं ना वो आपस में रोटेट हो रहे हैं, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन है वो इस वाले हाइड्रोजन की जगह पर आ रहा है, यू ये वाला हाइड्रोजन है इधर, ये वाला हाइड्रोजन इधर, यानी कि एटम के प्लेस पर एटम जा रहा है। तो इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सेस होती है वो हमारी जो हाइएस्ट ऑर्डर वाली होती है इसमें वही प्रेजेंट है, यानी कि इसमें सी थ्री है, और सब्सिडरी एक्सेस इसमें है नहीं, जो सब्सिडरी एक्सेस है वो हमारी है नहीं। क्योंकि देखो अगर हम सपोज जैसे हमने ये लॉन पेयर पकड़ के यहाँ से रोटेट किया है तो ये तो अपनी प्लेस पर ही है, तो ये वाला हाइड्रोजन इसकी प्लेस पर आ रहा है, ये वाला इसकी प्लेस पर ही, और ये वाला हाइड्रोजन इसकी प्लेस पर जा रहा है, तो इसमें प्रिंसिपल एक्सेस तो होगी। जैसे हम सी टू डालते हैं, तो जैसे मैं अब देखो ऐसे सी टू डालूंगी मैं, तो ये वाला हाइड्रोजन है यहाँ पर लॉन पेयर है, जैसे मैंने यहाँ से ये सी टू डाला है तो यानी ये बैक साइड में ये प्लेन में आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, सब्सिडरी एक्सेस हमारी प्रेजेंट नहीं होती, इसमें ओनली प्रिंसिपल एक्सेस होती है ना। तो आप देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से देख सकते हो, आपको बार बार पर ये देखने की नीड नहीं है कि मतलब हम कैसे सी टू डालें कैसे। अगर आपने यहाँ पे देखो सी एन एक्सेस है, सपोज मेरे पास सी टू है ना, तो सी टू एक्सेस अगर यहाँ पे होगी तो यहाँ पे जो सी एन है तो यहाँ तो यहाँ सी एन टू होंगे, यानी कि एन सी टू होंगे, या फिर एक भी सी टू नहीं होगा। तो जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे सी टू है, प्रिंसिपल एक्सेस क्या थी, सी टू, तो इसमें जो भी हमारे सी टू होंगे तो वो एन सी टू होंगे, एक सी टू नहीं होगा। कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें हम एक्सेस डालते हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री डालते हैं, अगर उसमें एन सी टू हैं तो या तो एन सी टू होंगे या फिर एक भी सी टू नहीं होगा, है ना, ऐसे देखते हैं। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल एक्सेस की, कि प्रिंसिपल एक्सेस क्या है।
टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स रोटेटिंग है ना, ये होती है। अब निकालते हैं हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हम कैसे निकालते हैं, तो देखो मेरे पास ये H2O मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने इसे 180 से रोटेट कराऊंगी मैं, तो ये क्या होगा, एटम ये ऐसे रोटेट मैंने किया है, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो यानी कि ये H2O इधर आ गया, क्योंकि देखो जैसे मैंने यहाँ से रोटेट किया है तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया, जो H2O वो इधर आ गया, तो ये हो गया। फिर मैंने ये 180 से रोटेट किया है, तो देखो ऐसे रोटेट करूंगी मैं, जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस डाल दी, जैसे मैंने रोटेट किया है तो ये वाला H1 इधर आ जाएगा, ये H2 हमारा इधर चला जाएगा, तो ये सेम एटम हमें प्लेस हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मैंने 180 से 180 से दो बार रोटेट किया है, तो यहाँ पे C2 1 डाला है, फिर हमने C2 2 डाला है, तो इस पर कितने ऑपरेशन हो गए, यानी 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो कितने हो गए, कितने हो गए इसमें, C2 हो गए, कितने ऑपरेशन इसमें, 2 ऑपरेशन हो गए। ठीक है, ये तो होगी हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री।